अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज पांचवा रोजा है तो सहरी का टाइम है, अभी सहरी करने के लिए उठे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जा रहे हैं रोजे, पांच रोजे गुजर भी गए, पीछे बस 25 रोजे रह गए हैं, पता ही नहीं चला कब गुजर गए हैं। देखिए इतनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले रमजान आया है और देखिये सारे गुजर गए, बस मगर 25 रह गए हैं यार। वो तो अभी करते हैं सहरी। 4:05 हो रहे हैं और सब ने सहरी कर लिया। अभी तकरीबन आधा पूरा घंटा रहता है और हमारे घर वालों ने सहरी कर लिया है। भाई इतनी जल्दी उठते हैं मेरे घर वाले। और सहरी में हमारे पास पराठा, बंद गोभी, अंडा। आप लोग मेरा सहरी करने का तरीका देखें, अपने बिस्तर के अंदर बैठ के, मच्छरदानी के अंदर बैठ के सहरी कर रहा हूँ मैं। साथ हमारे पास चटनी है दही और हरी मिर्च की। अभी जल्दी से सहरी करते हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 12 का। सहरी करके नमाज पढ़ के मैं सो गया था, अभी उठाऊं तो अभी हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। आप सबको पता है हमारे घर काम हो रहा है, हमने सारे घर में पत्थर लगवाया है, सीढ़ियों में भी पत्थर लगवाया, ग्रेनाइट और इसका नाम नहीं मुझे आता। सीढ़ियों के ऊपर तो प्यारा पत्थर लगा हुआ, लेकिन उसकी साइड पे भी हम लोग अभी टाइल लगवाने वाले हैं ताकि सीढ़ियां हमारी और प्यारी लगे। अभी मैं और पापा जा रहे हैं सियालकोट, सीढ़ियों की टाइल लेकर आनी है। सियालकोट हम लोग अपनी रानी पे जा रहे हैं। दाऊद बाइक चलाना सीख रहा है। मैंने भी साथ जाना है। पेपर नहीं आपका कल? पेपर है तो फिर वो जाके याद करो ना। पर मैंने भी जाना है। नहीं जाके पेपर याद करो। चलो शाबाश, ठीक। हम लोग 3-4 दिन तक ना लाहौर जाने वाले हैं अपनी रानी को मॉडिफाई कराने के लिए। तो अभी आप ये बताएं कि हम लोग इसके ऊपर कौन सी टेप करवाएं, रेड कलर की करवाएं या ब्लू कलर की। मेरा पहले प्लान ये था कि रेड कलर कराएंगे, लेकिन मैंने जबकि ब्लू देखी है ना, तो तब का दिल कर रहा है कि ब्लू कराएंगे। अब जी आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान यही है कि जो आपका प्लान है। अच्छा, ब्लू कराएं फिर। हम लोगों ने ना अपनी रानी की LCD भी चेंज करनी है। इस LCD पे YouTube नहीं चलता, कुछ भी चलाना हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा फिर ये चलेगा, वैसे LCD पे कुछ नहीं चलता। तो इस वजह से रानी की LCD भी चेंज करनी पड़ेगी हमें जल्दी। लेकिन LCD चेंज करने के बाद ना ये कैमरा नहीं रहेगा, कार के अंदर सब कुछ दिखाता ये कैमरा, तो अगर LCD चेंज करेंगे तो फिर ये कैमरा नहीं रहेगा। जिन्हें कल हमारे घर टाइल लगानी है ना, वो इधर ही काम कर रहे हैं सियालकोट, तो अभी पहले उनके पास जाएंगे और उसके बाद फिर टाइल लेने जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कितनी टाइल लानी है। इधर ही कहीं वो काम कर रहे हैं। चाचा मुस्तफा को हमने साथ ले लिया, अभी चलते हैं टाइल लेने। टाइल वाली शॉप में हम आ गए हैं। हमारी सीढ़ियों पे ब्लैक व्हाइट पत्थर लगा हुआ है, साइड पे भी टाइल लगवा रहे हैं ब्लैक व्हाइट। ये हो गई जी हमारी सीढ़ियों की टाइल। अपनी सीढ़ियों के लिए टाइल हमने ले लिया है, अभी चाचा मुस्तफा को वापस उतार के आते जहाँ से लेकर आए थे और फिर घर चलेंगे। चाचा मुस्तफा जिधर काम कर रहे थे उधर उनको उतार दिया, तो अभी चलते हैं घर। हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं, घर हम लोग आ गए हैं। अभी अपनी रानी को गैराज में खड़ा करते हैं। अभी टाइल्स को निकाल के बाहर रख देते हैं। घर आके अभी हम लोग क्रिकेट खेलने लगे हैं। क्रिकेट हम लोग अपनी छत पे खेलेंगे। ये विकेट है ये सामने, और आप लोग हमारे बल्ले की हालत चेक करें, इतने बड़े कंजूस कभी देखे हैं आपने? अभी फिलहाल खेलते हैं और थोड़ी देर बाद ना जाके आज न्यू बैट भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा टूट गया है और ये भी हमारा नहीं है, ये टूटा हुआ किसी ने फेंका, हम उठा के उसके साथ खेल रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह न्यू बैट लेकर आएंगे, फिलहाल अभी खेलते हैं थोड़ी देर ना, बाद में जाएंगे। यहाँ के क्रिकेट के असूल भी बता दें। बताएं आप इनको। यहाँ पहले ट्राई बॉल होती है, अगर गेंद बाहर चली जाए खिलाड़ी आउट होता है। ट्राई बॉल में भी आउट होता है। गेंद ग्राउंड से बाहर चली जाए खिलाड़ी फिर भी आउट होता है। उसके अलावा जिस्म पे कहीं भी टच हो जाए आउट है। वो अभी खेलना स्टार्ट करते हैं। अभी टास्क किया और सबसे पहले मेरी बैटिंग आई, मुझे इतना रन बनाना पड़ेगा कि अबू जान और सहेब मेरे जितना रन ना बना सके और फिर मेरी बारी सबसे पहले होगी। मेरे घुटने पे गेंद लग गई है, इस वजह से मैं आउट हो चुका हूँ। काफी देर क्रिकेट खेलने के बाद ना मैं और पापा जा रहे हैं अभी न्यू बैट लेने साथ वाले टाउन से। ये साथ वाले टाउन में हम लोग पहुंच चुके हैं, सामने लगे हुए हैं न्यू बैट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भैया? ठीक है, ऐसे ही
जान कह रहे हैं कि छोटा बैट लेते हैं, सात बच्चे भी खेल लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ दो ले लें, लेकिन एक बड़ा बैट ले, खुद भी तो मजा आया ना खेलने में। जान को बहुत ही मुश्किल से इस बैट के लिए राजी किया है, और अभी मैं अब जान को कह रहा हूँ वो भी साथ ले लें, लेकिन अब जान कह रहे हैं कि एक ही बस। अब जान को बहुत ही मुश्किल से राजी किया है। ये वाला जो बैट है ना, ये जरा हल्का है, मतलब उठाने में आसानी होगी, बिलावल खेलेंगे और इसके साथ हम जिन्हें कल से लोग बैट लेकर आया ना, फुल प्यार मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। ये दोनों बैट उन्होंने 1000 रुपए के दिए, वो भी हमारे लिए, वे न्यू बैट्स को लेकर घर जा रहे हैं। फिर जाके निबलों को सरप्राइज देते हैं उनका। पहले इसको ना इधर छुपा देता हूँ, पहले ये वाला बैट दिखाता हूँ, बाद में वो वाला दिखाऊंगा। क्या हुआ है, किसने मारा है? बिलावल ने। आओ जरा, बिलावल ने मारा है नीब को। चलो बताओ कैसा बैट है? बहुत अच्छा है। अनीब कैसा है ये? बहुत अच्छा है। इसके साथ खेलोगे या छोटा बैट लाएं आपके लिए? छोटा। छोटा लाएं? जी। करते हैं फिर उसका भी कुछ। आप दोनों का, आप दोनों का। पापा मुझे अनिल एक उसे खेल लेने दो ना, इधर आओ। छक्का। आप सबको पता है हमारे घर पत्थर की रगराई का काम हो रहा है, थर्ड फ्लोर पे रगराई का काम खत्म हो चुका है, और जो अंकल हमारे घर पहले काम कर रहे थे ना रगराई का, पत्थर की रगराई का, उन्होंने काम नहीं सही किया। ये आप देखें, ये देखें, आप लोग देख सकते हैं थर्ड फ्लोर पे सारे के सारे ऐसे, थर्ड फ्लोर पे ना अच्छी तरह शाइनिंग नहीं आई, मतलब सही काम किया ही नहीं। उसके अलावा वो जो पहले हमारे घर पत्थर की रगराई कर रहे थे, उन्होंने इधर भी काम ठीक नहीं किया। ये आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने ये फिलिंग की थी, किसी काम की फिलिंग नहीं है। उसके अलावा हम लोग ने साइड पर पत्थर लगवाया था, तकरीबन 80,000 रुपये का ये पत्थर है, और सारे का सारा ये देखें आप, ये सारा इन्होंने ख़राब कर दिया। मतलब आप कलर में फ़र्क देख सकते हैं कितना फ़र्क है, अभी रेडी हो के भी उसकी तरह नहीं हुआ। मतलब इस पत्थर को टच भी नहीं करना था, तो उन्होंने इसके ऊपर भी मशीन लगा दी, ये भी नुकसान किया है। उसके बाद ना वो अंकल कल आए एक हफ्ते के बाद, सेकंड फ्लोर पे वो कह रहे थे कि हमने काम करना, तो भुजन ने करने नहीं दिया, भुजन कह रहे थे कि काम नहीं करना। एक तो वो काम नहीं खत्म कर रहे, दूसरा उन्होंने काम भी सारा खराब कर दिया। तो हम लोगों ने न्यू बंदा ला के उसे काम पे लगाया, तो एक हफ्ते बाद आए, तो वो आए सबसे पहले तो उनसे बदतमीजी की, जो हम लोगों ने अब बंदा लगाया रगराई वाला, भी आप हमारे काम पे क्या लेने आए, इस तरह उस तरह। तो उसके बाद अबू जान ने उनको कहा कि भाई बंदा मैंने लगवाया, आप क्यों उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? तो फिर अबू जान के साथ बदतमीजी की, तो भी आपको बताते हैं कि क्या हुआ था, बताएं ज़रा। वो कह रहे थे मैंने इधर काम करना है, मैं आपसे काम नहीं करवाना, आपने पहले ही हमारा पत्थर ख़राब कर दिया। वो कहने लगा मैंने ये इसमें दो वटियाँ लगाई हैं, ये काम मैं ही करूँगा। मैंने उसको काम नहीं करने दिया, मैंने उसको कहा आप बाहर चले जाएं, मैं आपसे काम नहीं करूँगा, आप हमारी मशीन नीचे उतार दें। मैं क्यों, आपने हमसे पैसे लिए हैं, पैसे वापस दें, आप अपनी मशीन ले जाएं। मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मैं तो वापस चला गया, लेकिन इधर रंग करने वाला रंग कर रहा था, वो कह रहा था आपको गाली निकाल रहा था। मतलब ज़बरदस्ती कह रहा है कि मैंने काम करना, तो अबू जान कह रहे थे कि हमने नहीं करने देना, एक तो नुकसान किया 70-80,000 रुपये का पत्थर खराब किया, और दूसरा वो जो फीलिंग है वो भी नहीं किसी काम की, मतलब इनको काम आता ही नहीं है। कभी कहता मेरी बच्ची की शादी है, कभी कहता मेरी बच्ची बीमार है, मतलब बहाने लगा लगा के पैसे ज़्यादा ले गया, तो अभी बाद में ज़बरदस्ती भी मैंने काम करना, मैंने काम करना, तो हमने नहीं करने दिया। अबू जान के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, मैं तो घर पर नहीं था, तो अबू जान कह रहे हैं कि बदतमीजी कर रहा था, तो अभी फिर काम नहीं करने देना उनको। नहीं, उनको काम नहीं, उन्होंने हमारा पत्थर ही खराब कर दिया। दूसरा बाहर निकल के गालियां भी दे गया। वो चाचा तनवीर कह रहा था वो आपको बहुत ज्यादा गाली निकाल रहा था। अभी जब वो बंदा आएगा ना, फिर उससे बात करेंगे जरा अच्छे से, भी एक तो उसने गालियां क्यों निकाली, दूसरा अभी काम तो उसे करने नहीं देना, ये काम खराब किया, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो अभी जब आएंगे ना, फिर उनसे बात करेंगे जरा अच्छे से। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग करते हैं एंड। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।